हेलो एवरीवन, आई एम सुमित चौधरी एंड यू वाचिंग हार्ड ड्राइव्स। सो आप लोगों को कुछ मुझे ये बताना था, जैसे कि मेरी किया सोनेट है, उसमें एक प्रॉब्लम आ रही है जो कि ज़्यादातर किया सोनेट पेट्रोल इंजन्स में प्रॉब्लम आ रही है, जो मेरे साथ ट्रेजेडी हुई है। 40,000 किलोमीटर के बाद मैंने सर्विस कराई थी, तो उसमें मेरा फ्यूल फिल्टर चेंज हुआ था, जो कि फ्यूल टैंक के अंदर होता है, जो आपके फ्यूल पंप के अंदर एक फिल्टर होता है जो फ्यूल को साफ करके रिफाइंड करके इंजन को भेजता है। तो उसके बाद से मेरी कार अराउंड 3 to 4,000 किलोमीटर चल चुकी है। उस बीच में 2 बार कार बंद हो चुकी है, चलते चलते रेस छोड़ देती है। तो कार में जो प्रॉब्लम मेनली आ रही है, वो आ रही है रेस छोड़ देती है। पहली बार जैसे हुआ तो मैंने किया, मैं अपने सर्विस एडवाइज़र को फ़ोन किया, तो उन्होंने बताया कि कार में प्रॉब्लम शायद फ्यूल में कोई दिक्कत हो, वाटर हो या कुछ हो, सप्लाई में प्रॉब्लम आ रही होगी, तो आप थोड़ा रेस्ट कीजिए, दोबारा स्टार्ट कीजिए। तो वो इस तरीके से हो गई। कल मैं कहीं यहाँ मेरठ एक्सप्रेसवे पे अपनी कार चलाता था, तो फिर से एक्सप्रेसवे के बीच में चलते चलते उसने रेस पकड़ना बंद कर दिया। तभी मैंने अपनी कार साइड में लगाई और शोरूम में कॉल किया। पहले मैंने RS से कॉल करने की जगह मैंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे फिर से प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर मैंने कार को, उन्होंने बोला कि सेम चीज़ अप्लाई कीजिए, फिर से थोड़ा ठंडा होने दीजिए और कार को शोरूम ले आइए। जैसे ही मैं शोरूम लेके कार को पहुंचता हूँ, थोड़ा रोक के हाईवे पे थोड़ा शांत होने के बाद, तो वो बताते हैं कि इसके फ्यूल मोटर में आपका डिफेक्ट आ रहा है, कंपनी की तरफ से आपका फ्यूल मोटर चेंज होगा, जो कि एडवाइजरी हमारे पास है, बट ओपनली हम शेयर नहीं कर सकते बिकॉज उससे कार का मार्केट वैल्यू थोड़ा सा गड़बड़ होता है। तो जो भी कार्स में दिक्कत आ रही है, पेट्रोल जैसे पेट्रोल कार्स है मेनली, GDI इंजन हो या नॉर्मल पेट्रोल हो, तो उनके फ्यूल पंप में जो मोटर होती है वो डिफेक्टिव है। वो कुछ ईयर के अकॉर्डिंग डिफेक्टिव, जो कि वो ओपनली नहीं बता रहे, बट वो उसको चेंज कर रहे हैं, चाहे आपकी कार वारंटी में हो या विदाउट वारंटी हो। तो अगर किसी इंसान को इस तरह की या सोनेट चलाने वाले को प्रॉब्लम आती है, तो प्लीज शोरूम लेके जाइए और उन्हें बोलिए कि इसका फ्यूल मोटर चेंज कीजिए, इसका फ्यूल पंप खराब हो रहा है। वो अब ओपनली नहीं बताएंगे, बट अगर आपको प्रॉब्लम आती है, रेस छोड़ देती है, फिर स्टार्ट नहीं होती, तो उसे कूल डाउन होने दीजिए। मोटर जो है वो हीटअप होके खराब हो जाता है, मतलब एक तरीके काम करना बंद कर देता है, फिर थोड़ी देर ठंडा होता है, फिर चला जाता है। तो RS से कॉल करने की जगह उसको गाड़ी को थोड़ी देर स्टॉप लगाइए और बार बार सेल्फ मत मारिए, क्योंकि उससे बैटरी आपकी डाउन हो जाएगी। अगर आप अकेले तो कुछ स्टार्ट भी नहीं कर पाएगा, तो उसे कूल डाउन होने दीजिए और टाइम लीजिए। थोड़ी देर बाद, 15 मिनट बाद स्टार्ट कीजिए और डायरेक्ट नियर बाय शोरूम पहुंच जाइए और उनसे सीधा बोलिए, भैया मैं 2-3 बार से चीज़ फेस कर चुका हूँ, मेरा फ्यूल फिल्टर का जो मोटर है वो चेंज कीजिए, फ्यूल फिल्टर चेंज कीजिए। आप डायरेक्टली बोले फ्यूल फिल्टर चेंज कीजिए, इसका बार 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 परेशानी होती है, मैं इस कार को नहीं लेके जाऊंगा, चाहे आपकी कार वारंटी में नहीं है, वो करके देंगे। तो यही कुछ मेरी इन्फॉर्मेशन थी। मैं कुछ कार को अभी कल शोरूम छोड़ के आया हूँ, अब लेने जाऊंगा। बिल तो उन्होंने मुझे मैसेज पे भेजा है, 0 रुपीज़ का है, और अगर कोई आगे भी इशू आता है तो मैं शेयर करता हूँ। बाकी कुछ पिक्स है शोरूम की, एक दो मैं उन्हें आपको शेयर करूंगा। कार मेरी मिल जाएगी तो उसके आगे की वीडियो में बताऊंगा कि कुछ क्या प्रॉब्लम थी, क्या चेंज हुआ, कैसे उन्होंने बिल बना के दिया। तो थैंक यू सो मच। यही सभी लोगों को, किया सोनेट ओनर्स को मुझे बताना था, जो कि अपने दिमाग में रखिए, अगर ऐसी दिक्कत आई है तो घबराइए मत, किया सोनेट में ये फ्यूल पंप के मोटर में प्रॉब्लम आ रही है। थैंक यू सो मच।